भारी बारिश और भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा को रोक दिया गया है। घांगरिया पर इन दोनों जगह जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। घांगरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है, तो वहीं घांगरिया से फूलों की घाटी की बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी है। कल देर शाम से यहां पर झमाझम बारिश के साथ ही भारी बर्फबारी भी हो रही है। हेमकुंड साहिब में तकरीबन 1.5 से 2 फीट की बर्फ भी जम चुकी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा को रोका गया है। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों को भी इस वजह से रोका गया क्योंकि कल शाम को ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पर वॉशआउट हुआ था और 2 सड़क मार्ग जो हैं पूरी तरीके से अभी टूटे हुए हैं, जिनको खोलने का और उन्हें सुचारू करने का काम लगातार जारी है। ऐसे में हेमकुंड साहिब की तरफ जाने वाले यात्रियों की अगर बात करें तो तकरीबन 1500 के करीब यात्रियों को रोका गया है। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों की बात करें तो 150 से 200 यात्री हैं जिनको घांगरिया में रोका गया है। अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इन सड़क मार्ग को खुलने में और बर्फ़ को हटाने में काफ़ी देर हो सकती है। ऐसे में जो यात्री घांगरिया में रोके गए हैं उनको अब कल ही फूलों की घाटी का दीदार और हेमकुंड साहिब की यात्रा का मौका मिल सकेगा। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।